मैं हूं एमजे। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा एक टोरिनिया का प्लांट है जो अभी सही चल रहा है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाद में यहाँ पे जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये हमारा एक पेटूनिया का प्लांट है, इसमें भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है हमारा साल्विया का प्लांट। अब ये जो तीनों तीन प्लांट है फ्रेंड्स, मुझे नर्सरी से ला के ज़्यादा दिन नहीं हुए, अबाउट 6-7 दिन हुए होंगे। और मैंने ये प्लांट को फ्रेंड्स एक वेल ड्रेन पॉटिंग सॉइल में लगाया हुआ है, जहाँ से पानी ठीक से ड्रेन हो जाता है, पानी का स्टोरेज नहीं रहता, सॉइल नेक्स्ट दिन तक ड्राई हो जाती है। तो ऐसी ही पॉटिंग सॉइल ये प्लांट्स को प्रोवाइड करनी होती है, और ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह सॉइल में नहीं डालना होता है। आप सिर्फ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालिए, जैसे कि मस्टर्ड केक, बाद में नीम केक और वर्मी कॉम्पोस्ट। बोन मील डालना चाहते हो तो बोन मील भी डाल सकते हो। तो ऐसे कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स थोड़ी थोड़ी मात्रा में अगर आप ये प्लांट्स को, ये विंटर प्लांट्स को प्रोवाइड करोगे, तो आराम से आपके विंटर प्लांट्स चल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल ये आता है फ्रेंड्स, कि बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, बाद में टेलीग्राम ग्रुप पे, बहुत सारे लोगों ने ये बताया है कि हमारे विंटर प्लांट्स नहीं चल पाते, मर जाते हैं। तो उसका रीजंस मैं आपको बता सकता हूँ फ्रेंड्स, कि किस हिसाब से आपके विंटर प्लांट्स मर जाते हैं। वैसे फ्रेंड्स, मेरे यहाँ भी फ्रेंड्स 2 पेटूनियास खत्म हो गए हैं, और उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है हमारे यहाँ। देखिए फ्रेंड्स, अचानक ही चलते चलते हमारे जो पेटूनियाज है या तो हमारे जो टोरेनियाज है, वो ख़राब हो जाते हैं, बाद में फाइनली वो मर जाते हैं, आगे ग्रो नहीं हो पाते। उसका पहला रीज़न है, सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो है टेम्परेचर। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ टेम्परेचर गर्म है, 30 से ऊपर, अगर आपके यहाँ दिन का टेम्परेचर है, जैसे कि मेरे यहाँ है, मेरे यहाँ आज भी 33 डिग्रीज 32 डिग्रीज टेम्परेचर है दिन का। अभी जैसे कि देख रहे हो, नवंबर का एंडिंग आ चुका है और अभी भी फ्रेंड्स मेरे यहाँ 30 अबव टेम्परेचर है। और खास करके जब दोपहर का वक्त आता है, जब हम ये विंटर प्लांट्स को सनलाइट प्रोवाइड करते हैं, तो ऐसे दोपहर के वक्त में जब प्लांट थोड़ा सा स्ट्रेस में रहता है, तो दोपहर के बाद अचानक से प्लांट विल्ट हो जाता है और बाद में वो मरना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि हमारे पेटूनियास की मैं बात करता हूँ, दोपहर के बाद अचानक ही वो प्लांट विल्ट हो जाता है, सारे पत्ते उसके लटक जाते हैं और बाद में फाइनली वो प्लांट खत्म हो जाता है, फिर से वो रिकवर नहीं हो पाता। उसका मेन रीज़न होता है ये हीट स्ट्रेस, यानी कि गर्मियों का स्ट्रेस, क्योंकि ये विंटर प्लांट्स को ज़्यादा गर्मियाँ पसंद नहीं होती। 30 से नीचे अगर आपके यहाँ टेम्परेचर हो, 25 डिग्री 26 डिग्री, तो ये विंटर प्लांट्स आपके यहाँ आराम से चल जाएंगे विदाउट एनी मेहनत, बहुत ही इजीली चल जाएंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है फ्रेंड्स, जो आपके यहाँ विंटर प्लांट्स नहीं चल पाते, वो है केमिकल इंसेक्टिसाइड। अगर आपके यहाँ टेम्परेचर सही है, बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल है, तो बाद में वो है केमिकल इंसेक्टिसाइड, अगर आप स्प्रे करते हो अपने विंटर प्लांट्स पे, तो बाद में वो केमिकल इंसेक्टिसाइड की हीटनेस की वजह से भी आपकी ये जो विंटर प्लांट्स है, वो स्ट्रेस की वजह से खराब हो सकते हैं, उसके सारे पत्ते जल सकते हैं। एक बार इसके पत्ते जलना स्टार्ट हो जाएंगे, तो बाद में ये प्लांट भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। तो कभी भी फ्रेंड्स विंटर प्लांट्स के ऊपर केमिकल इंसेक्टिसाइड स्प्रे मत करिए। अब यहाँ पे एक सवाल आएगा, सर क्या हम नीम ऑयल स्प्रे कर सकते हैं? देखिए फ्रेंड्स, नीम ऑयल आप स्प्रे कर सकते हो, नीम ऑयल की फ्रीक्वेंसी आप ज्यादा मत करिए। यानी कि अगर आप 10 दिन में एक बार या तो 15 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर रहे हो, तो बाद में चलेगा। लेकिन आप हफ्ते हफ्ते में एक बार अगर आप नीम ऑयल का स्प्रे करते रहोगे, तो ऐसे में नीम ऑयल फ्रेंड्स आपके प्लांट के लीव्स के ऊपर चिपक जाएगा, और फाइनली आपके जो प्लांट के लीव्स ठीक तरीके से एयर अपने अंदर नहीं ले पाएंगे, ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, और फाइनली ये जो प्लांट है वो खत्म हो सकते हैं। तो इसीलिए नीम ऑयल का जब भी आप स्प्रे करते हो, तो 15 दिन में एक बार करिए, और बाद में आप अच्छी तरह प्लांट के ऊपर सोप वाटर का स्प्रे कर लीजिए। सिंपल सोप वाटर का स्प्रे करोगे, इससे जितना भी नीम ऑयल जो चिपका हुआ रहेगा लीव्स के ऊपर, वो सारा निकल जाएगा। अब बहुत ही कॉमन जो पॉइंट डिफरेंस जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, वो है जो भी हमारे विंटर प्लांट्स है उसके ऊपर पानी का स्प्रे करना। खास करके मैं ये टोरेनिया की बात करता हूँ। अभी एक बार हमारे जो पेटूनियाज है और साल्विया है वो तो चल जाएंगे, लेकिन टोरेनिया के ऊपर अगर आप बार बार पानी का स्प्रे करोगे, दिन में 2-3 बार अगर आप पानी का स्प्रे करते रहोगे, तो ये जो प्लांट है ये खराब हो जाएगा। क्योंकि ये प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं, लीव्स की थिकनेस बहुत ही कम होती है, और ऐसे में फ्रेंड्स आपके ये जो प्लांट के ऊपर इजीली फंगल इन्फेक्शन लग सकता है। आपने देखा होगा पानी का स्प्रे करने के बाद आपके जो प्लांट के लीव्स है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि ये जो देख रहे हैं, कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम्स फ्रेंड्स आपके प्लांट के ऊपर देखने को मिल जाएगी अगर आप रेगुलरली प्लांट के ऊपर पानी का स्प्रे करते हो। तो मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा फ्रेंड्स, कि जितना हो सके उतना अवॉइड कीजिए पानी का स्प्रे करना। अगर आप पानी डालते हो, तो सीधा मिट्टी के अंदर डालिए, जिसकी वजह से आपके ये जो प्लांट के लीव्स है वो नहीं जले और आपके प्लांट अच्छे सर्वाइव कर जाएंगे।
अब फाइनली फ्रेंड्स, मैं स्पेशली टोरेनिया के लिए एक चीज बोलना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों के या टोरेनिया के जो लीव्स है वो कुछ ऐसे ग्रीन नहीं होते, लाइट ग्रीन कलर के होते हैं। उसका मेन रीजन यही होता है फ्रेंड्स कि आपके प्लांट के अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है, आयरन डेफिशिएंसी है। अगर आपके जो प्लांट के लीव्स बहुत ही ज़्यादा लाइट ग्रीन हो जाते हैं, थोड़े से वाइटिश ग्रीन हो जाते हैं, तो बाद में ऐसे में आपको आयरन फर्टिलाइजर अलग से अप्लाई करना होगा सीधा सॉइल के अंदर। आपको 1 ग्राम जितना आयरन फर्टिलाइजर लेना है, 1 ग्राम जितना माइक्रोन्यूट्रिएंट लेना है, भले वो सागरी का माइक्रोन्यूट्रिएंट हो या तो आप उत्कर्ष का डबल कॉम्बी माइक्रोन्यूट्रिएंट ले सकते हैं या तो कोई भी दूसरा अच्छी ब्रांड का माइक्रोन्यूट्रिएंट लीजिए, वो आपको 1 ग्राम लेना है। और 1 ग्राम चिलेडिड आयरन फर्टिलाइजर लेना है, ये भी आपको लोकल फर्टिलाइजर की शॉप में मिल जाएगा। तो ये दोनों को कंबाइन करके फ्रेंड्स हफ्ते में एक बार इसकी वाटरिंग करिए सॉइल के अंदर। जैसे कि आप सपोज 1 लीटर पानी में ये 1-1 ग्राम ये दोनों चीज़ें मिक्स करोगे और वो पानी फ्रेंड्स आप अपने प्लांट की सॉइल के अंदर अप्लाई कीजिए। जो नॉर्मल पानी डालते हो, नॉर्मल वाटरिंग करते हो, वैसे ही वाटरिंग करनी है। तो इससे फ्रेंड्स आपके जो प्लांट के ऊपर ये जो भी लाइट ग्रीन कलर के लीव्स हुए हैं वो सारे कवर हो जाएंगे, यानी कि सारे लीव्स ग्रीन होना स्टार्ट हो जाएंगे और आपके जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छा हेल्दी ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है टोरेनिया के लिए। वैसे फ्रेंड्स ये जो पेटूनियाज होते हैं, पेटूनियाज के लीव्स भी लाइट ग्रीन वैसे तो बहुत ही कम उसमें होते हैं, लेकिन फिर भी इसके चांसेस भी रहते हैं, तो उसमें भी आप सेम ट्रीटमेंट कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है वाटरिंग के अलावा, क्योंकि ओवर वाटरिंग तो किसी भी प्लांट को पसंद नहीं होती, लेकिन अगर आप वाटरिंग सही करते हो तो ये जो चीज़ें जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया है वो पॉइंट्स आप कंसीडर करिए अगर आपके विंटर प्लांट्स मर रहे हैं। दूसरी चीज़, विंटर प्लांट्स को बुशी बनाने के लिए आपको बस सिंपल इसके ऊपर पिंचिंग करते रहना है। अगर आप ये विंटर प्लांट्स के ऊपर पिंचिंग करते रहोगे तो लगभग 30-40 दिन के अंदर अंदर यही जो प्लांट है आपका बहुत बड़ा बुशी प्लांट बन जाएगा। तो अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।